हेलो गाइज, कैसे उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं और नया रेसिपी तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रवा लिया है एक कटोरी के लगभग, इसी से नाप से मैंने यहाँ पे चीनी भी लिया है। मैं 2 कटोरी के लगभग चीनी लूँगी, जिसे आप ग्राइंडर जार में डाल करके अच्छे से इसे ग्राइंड कर लें। 1 से 2 मिनट के अंदर में ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। तो चलिए इधर मैं दूसरा तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के लगभग मैदा लिया है, जिससे मैं यहाँ पे अच्छे से उसे चलनी से चाल करके ले, और जिससे इसमें कुछ रहे नहीं कंकड़ पत्थर, और इसे अच्छे से आप मिक्स करें। इसके बाद में जो ग्राइंड किया है हमने चीनी और रवा, उसे भी इसमें ऐड करें और बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी तैयार करें। इस तरह से इसे मिक्स करें अच्छे से। जब मिक्स हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर आप ऐड कर सकते हैं या सौंफ पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने घी 1 कटोरी के अलावा लिया, हल्का सा गर्म ही घी इसमें ऐड करें, जिससे अच्छे से मिल जाए और पूरे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से इसे मिक्स हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड किया। आप चाहे तो सौंफ पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है इस रेसिपी में। इस तरह से आप लोग ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें। देख सकते हैं मैंने थोड़े थोड़े नॉर्मल पानी लेकर के इसे आटे को अच्छे से गूँथ ले। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसी मशीन में रहे, तभी आप इसे ऐड करें इसमें। ये देख सकते हैं पूरे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और जिस प्रोसेस से मैंने आटा गूँथा बताया, उस तरह से आप लोग भी गूँथ ले इसे और 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख ले। यहाँ देख सकते हैं 2 मिनट हो चुका है, आटा पूरी तरह से रेस्ट हो चुका है। उधर मैंने रिफाइंड तेल भी गर्म होने के लिए गैस पर डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं धीमा फ्लेम गैस का रखें और इधर आप इसे कट कर ले बीचों बीच से, गूँथ करके फिर से, और इसी लंबाई में रोल करके इसे कट कर ले। 3 भागों में मैंने कट किया हो, इसे राउंड शेप डाल करके आप इसे मैंने यहाँ पे इसे बेलन की सहायता से राउंड में कर लिया है। इसे आप चौकोर बना करके चक्कू की सहायता से और इसे लंबा लंबा सी पीस कट कर ले, और इस पर आप अच्छा सा डिजाइन दे, जो शक्करपारे की डिजाइन होती है उस तरह का आप दे सकते हैं, और भी कई डिजाइनें दे सकते हैं। मैंने बहुत सारी रेसिपी डिजाइन की डाली है, जो आप लोग सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बना लिया है, और यहाँ तेल आप तेलिया रिफाइंड को आप चेक करने के लिए थोड़े से आटे की गोलियाँ डालें इसमें, और देख सकते हैं पूरा परफेक्ट तेल गर्म हो चुका है। अब आप इसमें थोड़े थोड़े करके आप इस तरह से छन्नी की सहायता से डालेंगे तो एक ही कलर में आएगा भी और चिपकेगा भी नहीं। हल्का सा आप गर्म तेल जहाँ चिपक रहा हो वहाँ डालिए, जिससे ये छूट जाएगा और आसानी से ये सारे इन्ग्रीडियंट आ जाएंगे इसमें। और मीडियम फ्लेम पर आप इसे देखिए गोल्डन ब्राउन, कितना सुंदर एक सुनहरा कलर आया है। जितना देखने में आपको ये अच्छा खूबसूरत लग रहा है, इसी तरह से सारे आप निकाल लें और यहाँ पे इस तरह से आप सजाएं और इसे पर्व त्यौहार में बनाएं और मेहमानों को सेलिब्रेट करें और फेस्टिवल का आनंद उठाए। इस तरह से आप लोग भी ज़रूर एक बार इसे ट्राई कीजिए, कितना जल्दी और यम्मी रेसिपी बन करके तैयार हुए। बहुत ही कम समय में ये बन भी जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। हैप्पी छठ, थैंक यू।